बात करेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई में, जहां कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए शैक्षणिक संस्थान हो, शॉपिंग मॉल्स हो या वो भीड़भाड़ वाले इलाके, तमाम जगहों पर बंद जो है वो उसे बंद कर दिया गया है और ये एहतियातन कदम सरकार द्वारा उठाया गया है। और इसी कड़ी में मुंबई की मेट्रो के बारे में अब चर्चा की जा रही है कि यदि सरकार मेट्रो को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लेती है तो मुंबईकर सरकार के इस फैसले के साथ हैं, ऐसा कहना मेट्रो यात्रियों का है। लोगों का ऐसा मानना है कि सरकार हमारे हितों के लिए जो भी फैसला लेगी हम सरकार के फैसले का स्वागत करेंगे। फिलहाल मेट्रो सेवा मुंबई में शुरू है, लेकिन मुसाफिरों की यदि बात करें तो टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अभी तक मेट्रो का परिचालन सुचारू रूप से गतिमान है और ये अवरुद्ध ना हो इस पर निगाहें बनी हुई है। खासकर मेट्रो प्रशासन की बात करें तो मेट्रो प्रशासन भी सरकार की जो यंत्रणाएं हैं उसके नियमित संपर्क में है और अब ये कोशिश की जा रही है कि ये सेवा ऐसे ही जारी रहे। लेकिन कोरोना का मामला यदि बढ़ता है तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि लगातार दौड़ रही मुंबई की मेट्रो पर भी विराम लग जाएगा। फैसला सही है, रीज़न ये है कि अभी थर्ड फेज में हम लोग जा रहे हैं कोरोना के, और थर्ड फेज इज़ अ मोस्ट क्रिटिकल फेज इन द कोरोना इम्प्लीकेशंस। सो इसलिए अगर ये थर्ड फेज को हम पार कर जाते हैं, यानी कि पेशेंट्स की संख्या नहीं बढ़ती है, तो वो तरह से वो इसके हिसाब से मेरे ख्याल से ये जो निर्णय लिया जाएगा वो सही होगा। क्या लगता है मेट्रो और लोकल बंद होने, लोकल ट्रेन बंद होने से तकलीफों का सामना करना पड़ेगा लोगों को या आपको तकलीफ होगी इसके बाद? अभी देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक आप देख लीजिए कि अगर एक साइड में कोरोना से संक्रमित पेशेंट से जान जाने की चिंता है और दूसरी साइड से हम लोग थोड़ा तो सहन कर सकते हैं, समझ गए क्या, इन्फेक्शन को हम ओवरकम कर सकते हैं जो भी हम प्रिवेंशन मेजर्स लेना है उससे, लेकिन हम मार नहीं सकते कोई पेशेंट के। इसलिए जितनी भी सुविधा या सरकार अपनी ओर से कर रही है वो मेरे ख्याल से वो बाय एंड लार्ज पब्लिक के लिए अच्छा ही है। मैं उनसे मतलब पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मतलब मुंबई में जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से देखा जाए तो इतनी पॉपुलेशन और सबको रोज़ ट्रैवल करना ही पड़ता है, क्योंकि सबका बिजनेस वो सब रहता है, तो उसके लिए अगर सब बंद हो जाएगा तो फिर उसके लिए तो ये थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा पॉपुलेशन के लिए। तो उसके लिए उनको मास्क ले सकते हैं, अपने साथ में सैनिटाइजर्स ले सकते हैं ताकि उनके लिए सेफ्टी के लिए एंड ऑल। जैसे इटली में और दूसरी जगह हालात है चीन में, उनको देखते हुए अभी अपने को अगर मेट्रो अगर ये सब थोड़े दिन के लिए बंद करना भी पड़ा तो हमारे लिए ही फ़ायदा है। मतलब तो पब्लिक को इस पर सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट का, और ये बहुत अच्छा फैसला है। सरकार जो करेगी लोगों की भलाई के लिए करेगी, खाली ये है कि अफवाहें ना फैलाए और ना ही अफवाहों पे भरोसा करे और खुद के प्रिकॉशंस खुद